फाइनली हम लोग आ चुके हैं रेवा, अभी हमने सामान ले लिया है, बेस्ट सेलिंग वाली लड़की झंडा फहराने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। एंड आज हम लोग जा रहे हैं रेवाड़ी है, और आज मेरे साथ हैं कियान और कुसुम। ये रोने लग जाता है जब भी हम बाहर जाते हैं, तो इसको भी गाड़ी में बैठने की आदत हो गई है। मैं सोचा इसको भी बाहर थोड़ा घुमा दें, इसको अच्छा लगता है बाहर जाना, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हम ले जाएं। और वहाँ पे अंकल आंटी हैं, वहाँ पे अंकल की बेटी है निशा, वो इसको संभाल लेगी, हम अपना बिजनेस का काम कर लेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए, और कियान और हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए। सभी को 15 अगस्त के लिए एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप हमारे व्लॉग्स को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हम काफ़ी सारी एक्टिविटी ऐसे करते हैं जो कि व्लॉग्स के लास्ट में होती है, व्लॉग्स के बीच में होती है। हम लोग अभी हैं भिगवाड़ी से धारवाड़ा वाले रोड पे, और देखो पानी, बारिश नहीं आई है लेकिन ये पानी पता नहीं कहाँ से आ गया है, और अभी तो 3-4 दिन हो गए बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, तो फिर ये पानी कहाँ से आ गया है ना मैजिक। बारिश का जो पानी होता है ना उसमें स्मेल नहीं आती है, इस पानी के अंदर से जब हम बाहर निकलते हैं ना तो इसमें से केमिकल की स्मेल आती है, मतलब कि ये बात तो प्रूव है कि ये केमिकल वाला पानी है। फाइनली कुसुम मान गई है, कल तो भयंकर गुस्सा थी, अभी इसको मैंने मनाया है। रो मानी बताऊँ क्यों है? क्योंकि ये कह रही मुझे 10 रुपये गोलगप्पे खाने हैं, मैंने बस 10 रुपये गोलगप्पे मान गई, ये हिसाब इसका। आपको इनकी बातों पे यकीन होता है? 10 रुपये के गोलगप्पे में अगर कोई मान रहा है तो कोई बड़ी डील नहीं है। आप इसको रेवाड़ी जाके मैं 10 रुपये गोलगप्पे खिलाने वाला हूँ, ये इनकी डील है, उनमें से डील नहीं है। उनमें से एक से दो गोलगप्पे तो मैं भी खा लूंगा, जिसको दो खाने को मिलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी गोलगप्पे काफी महंगे हो गए हैं, 10 के 8 देता है, वो कितने देते हैं 6। एक टाइम ऐसा था जब मैंने 1 रुपये के 8 खाए हुए हैं। आप लोगों ने 1 रुपये के कितने गोलगप्पे खाए हैं कमेंट करके जरूर बताइए। गोलगप्पे का तो पता नहीं, गोलगप्पे मैं खा लेती हूँ पर उससे कहीं ज्यादा मुझे मैगी का पनीर रैप अच्छा लगता है, वो खिला दो मुझे, दुकान फीके पकवान वो ला दे। देखो भाई ये पोल्यूशन हो रहा है हमारे भिवाड़ी एरिया में, भिवाड़ी इंडिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी में आता है, विश्व में इसका आई थिंक 4th या 5th रैंकिंग है पोल्यूशन के मामले में, आप गूगल कर सकते हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन है भिवाड़ी के अंदर। और भाई कितने अमरूद वाले बैठे हैं, देखो यहाँ पे ये इस रोड पे पूरे अमरूद वाले भरे पड़े हैं, अगल बगल में शायद अमरूद के बाग हैं, तो ये लोग वहाँ से अमरूद ले आते हैं और यहाँ पे बेचते हैं। और ये रोड सीधा जा रहा है रेवाड़ी, रेवाड़ी यहाँ से भिवाड़ी से 20-25 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है, रोड बहुत अच्छा बन चुका है, तो इस पर तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि कब रेवाड़ी आ गया। और मेरी गाड़ी हो गई है 3700 किलोमीटर, यार मुझे इस गाड़ी को लिए हुए 2 मंथ होने वाले हैं इस 28 को, और इन 2 मंथ्स के अंदर हो गए 3700 किलोमीटर, मतलब कि मैं सही एवरेज निकाल रहा हूँ। और ये देख पैर, देखो पैर इसके आराम फरमा रही है, कंफर्ट के लिए सही से बैठी हूँ, सो गया। यान फर्स्ट टाइम आया है रेवाड़ी के मॉल में, देख रहा है अभी सब कुछ, ये फर्स्ट टाइम आया ना मॉल में। तो भैया ये इसकी एंट्री है मॉल की, और विशेष ही डेकोरेशन की गई है 15 अगस्त के लिए। मास्क लगा दिया इसको, क्या पहन लेगा मास्क? ओए भाई पहन लिया यार आपने तो, बस मेरा मास्क ही, मेरे को हटाना मास्क, हटाओ मेरा। और यहाँ पे भाई साहब टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, ठीक है टेम्परेचर। और ये मॉल की एंट्री ऐसा सजाया गया है 15 अगस्त के लिए, सही लग रहा है यार, क्या वो नहीं चला ये? अभी सोता हुआ है ना गाड़ी में, हम लोग
आ चुके हैं रेवाड़ी के मॉल में और यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपना काम भी करना है, फिर उसके बाद हमें एक मीटिंग में निकलना है अंकल आंटी के घर पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं एमवी ऑफिस, वहाँ पे हमें सामान लेने हैं कुछ, और उसके बाद हमें निकलना है, हमें लेना है एनर्जी ड्रिंक्स। फिलहाल मैंने सामान तो ले लिया है बट सामान इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे अभी ट्रॉली लेके आनी पड़ रही है। रात में तो मैं लेके नहीं जा सकता क्योंकि गाड़ी दूर खड़ी हुई है, तो मुझे अभी ट्रॉली लेके आना है। अब ट्रॉली लूँगा वहाँ से, फिर ऊपर लेकर आना है, फिर मुझे सामान डालना है, फिर मुझे गाड़ी तक लेके जाना है। तो अभी हमने सामान ले लिया है और क्यान भी बैठ गया है, और अभी हम जा रहे हैं सामान को लेकर अपनी गाड़ी तक। 3 कार्टन हो गए थे यार, तो जाता नहीं वैसे सामान। ये अभी हम लोग आ चुके हैं आंटी के घर पे, और ये है हमारी छुट्टी ब्लैक साइलेंट वाली लड़की। मोटी हो गई, मिट्टी खा रही है, बोल दे फूल में खा रही राशन। बच्चों को स्कूल तो जाना है नहीं, खा के उसको जाती स्कूल जाती हूं, मेरी प्यास लगती है। देख रही है वीडियो, लास्ट टाइम कुछ डाले थे, चल आज ही तो आई है वीडियो। आज आनी सुबह, तूने देखा नहीं पड़ा अभी ये मेरी वीडियो। हाँ अभी स्कूल चाहिए, अभी देख लेगी बाकी सारी वीडियो, सबसे पहले ये देखती है। और अभी हम लोग आए हैं, एक मीटिंग हो रही है यहाँ पे, कुछ है नहीं बोलने को, कुछ है नहीं रहा बोलने। क्या छुपा है एक्चुअली, आने में लेट हो गए तो हम तो ज़्यादा व्लॉगिंग हम नहीं कर पा रहे, बाकी हम तो मैं सोच के आया था कि अच्छे से व्लॉग्स बनेंगे यहाँ पे। हम लोग इसको ओमेगा खिलाते हैं, ये बच्चों की ओमेगा आती है DHA यबीज के नाम से, ये बहुत ही अच्छे से खाता है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है ओमेगा। और ये स्पेशली इसके अंदर DHA जो कि ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो आप अपने बच्चों को अगर स्टार्टिंग से न्यूट्रिशन खिलाएंगे ना, तो आपका बच्चा सही रहेगा, हेल्दी रहेगा और ब्रेन फंक्शन अच्छे से काम करेगा। फाइनली हमारी एक मीटिंग ओवर हो चुकी है, हम लोग अभी रेवाड़ी में हैं और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं भिवाड़ी। The next day. इससे पीछे आपका स्टेप होना चाहिए। Happy Independence Day to all. मैं आज भिवाड़ी के एक सोसाइटी में मैराथन रन के लिए आया हूँ। 5 किलोमीटर का ये रन है, मेरा 4th जो है वो लैप हो चुका है, 5th लैप अभी बाकी है। सभी लोग आगे निकल चुके हैं, मैं भी थोड़ा पीछे हूँ, लेकिन जब वो थक जाएंगे ना तो मैं फिर आगे निकलूँगा स्ट्रैटेजी, और पूरा पसीने में हो चुका हूँ। ये देखिए, इसे ये पता चलता है कि हम कितने फिट हैं और हमें अभी अपनी फिटनेस में कितना वर्क करना बाकी है। एंड उसके बाद मुझे अपने किसी एक फंक्शन में उड़ जाना है जो कि इससे आगे वाली सोसाइटी में होगा, वो हमारी टीम का होता है, तो उसमें भी मुझे जाना है। सो आज आपको पूरा अगर कुछ शूट करने का मिलेगा तो शूट भी करूँगा। और अभी ये बच्चों की दौड़ चल रही है, ये छोटे छोटे बच्चे तो भाई कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, और आज के दिन तो बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है। तो अभी हमारी मैराथन कंप्लीट हो चुकी है और अभी यहाँ पे राष्ट्रगान होने वाला है, झंडा फहराने वाले हैं, काफ़ी मज़ेदार मौसम हो चुका है यहाँ पे। बड़ा ही मज़ा आया आज, 5 किलोमीटर की दौड़ मैंने शायद पहली बार एक साथ की है, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और काफ़ी रिफ्रेशिंग भी फील हो रहा है। सो आज का दिन बड़ा ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि आज के दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। तो अभी हमारा 15 अगस्त का प्रोग्राम जो है वो पूरा हुआ, और अभी यहाँ पे सारी टीम है, और इन सारी टीम्स के अंदर हम लोग अपना 15 अगस्त का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग आए हुए हैं, काफ़ी कुछ हमने किया है, और मैं अब मेरी एनर्जी पूरी ड्रेंड हो चुकी है। 5 बजे से उठा हूँ और अभी बज रहे हैं 9, तो काफ़ी टाइम जो है वो मैंने अपनी एक्टिविटी के अंदर ही लगाया है, टीम्स के साथ लगाया है। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा, और देखो फेस पे कितनी टैनिंग आ गई मुझे।